हेलो लर्नर्स, आज हम पढ़ते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किसे कहा जाता है। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो होता है, दैट इज़ अ कोलैबोरेशन और अरेंजमेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज इन विच दे रिड्यूस और दे एलिमिनेट द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स विद द ऑब्जेक्टिव इंक्रीज ट्रेड बिटवीन अमंग देमसेल्व्स। सो ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस होते हैं, दे आर यूजली टेक्स प्लेस बिटवीन नेबरिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी मीन्स कि जोग्राफिकली जो नेबरिंग कंट्रीज होती है क्लोज होती है, पास होती है। इसके अलावा दे आर समवट सिमिलर टेस्ट, जो लोग होते हैं इन कंट्रीज़ के, इनके टेस्ट भी सिमिलर होते हैं। जो वहाँ का वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, वो भी समहाउ सेम होता है। देन रिलेटिव ईज ऑफ इस्टेब्लिशिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्री को ईजी रहता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश करने में, एंड ए विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद वन अनदर फॉर अ ग्रेटर बेनिफिट ऑफ ऑल पार्टीज। सो इसलिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इसको रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया, जो कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है उसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। देन इसके अलावा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जिसे एशियन कहा जाता है, देन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो ये कुछ एग्जांपल है रीजनल जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुए हैं। इनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये, जो क्या है ये जो इंटीग्रेशन जो हुए हैं। ये जो इंटीग्रेशन है इनको ट्रेडिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब हम इनका लेवल पढ़ते हैं कि ये मेनली जो है ये 5 लेवल्स पे होते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। जो फर्स्ट लेवल है दैट इज़ कॉल्ड फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज एग्री टू अबॉलिश ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स अमंग और चेंज और चार्ज लो टैरिफ रेट्स इन कैरिंग आउट इंटरनेशनल ट्रेड, सच ए ग्रुप इज कॉल्ड फ्री ट्रेड एरिया। जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज ये एग्रीमेंट कर लेती है कि वो आपस में जब ट्रेड करेंगी तो टैरिफ रेट रिड्यूस कर देंगी या फिर उनको एलिमिनेट कर देंगी, तो ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो कोलैबोरेशन होती है कंट्रीज़ के बीच में, इनको फ्री ट्रेड एरिया कहा जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ रीजनल एग्रीमेंट्स। अब तक जितने भी ये जो रीजनल इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हुए, इंटीग्रेशन हुए हैं, उसमें से 90% जो है वो फ्री ट्रेड एरिया के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्री ट्रेड एरिया की। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज़ द बेस्ट नोन एग्जाम्पल। कुछ अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अलावा, जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है एंड एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो है, दे आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट जो लेवल आता है वो है कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन में क्या होता है, उसमें कस्टम यूनियन बनाने के लिए पहली कंडीशन है कि जो मेंबर कंट्रीज़ है वो आपस में जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उनको रिड्यूस कर देंगे या उनको एलिमिनेट कर देंगे, राइट। और सेकंड कंडीशन इसमें जो नई ऐड हुई है वो है द कस्टम यूनियन इस्टेब्लिश ए कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंबर्स, राइट। कि जो मेंबर कंट्रीज है वो जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए सेम एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी फॉलो करेंगे, कि जितने भी मेंबर कंट्रीज है सबकी एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी सेम रहेगी नॉन मेंबर्स के लिए। तो ये कस्टम यूनियन में ये एडिशनल जो है वो कंडीशन है। एग्जाम्पल जो है कस्टम यूनियन की वो है मर्कसू जो इन साउथ अमेरिका। सो इसमें 4 कंट्रीज आती है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूरुगे और पेरुगे। तो इसके अलावा यूरोपियन यूनियन जो थी वो बिगेन एज ए कस्टम यूनियन बट हैज़ नाउ मूव्ड बियॉन्ड दिस स्टेज। द यूरोपियन यूनियन वॉज इस्टेब्लिश अमंग द ओरिजिनली 6 मेंबर्स बाय द लेट 1960s। तो जो यूरोपियन यूनियन बना था, यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जो अरेंजमेंट हुआ था वो एज अ कस्टम यूनियन जो था वो स्टार्ट हुआ था 1960 में, ये स्टार्ट हुआ था। तो ये दो एग्जांपल है कस्टम यूनियन की। थर्ड जो स्टेज है, थर्ड जो लेवल है वो है कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट में 3 करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही है सेम, कि जो मेंबर कंट्रीज़ है वो आपस में जो भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है, उनको ख़त्म कर देंगी, आपस में एलिमिनेट कर देंगी। और सेकंड कि सब मेंबर कंट्रीज़ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी फॉलो करेगी नॉन मेंबर्स के लिए। अब इसमें जो थर्ड कंडीशन जुड़ जाती है कॉमन मार्केट में वो ये है कि दे अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कैपिटल अमंग द मेंबर कंट्रीज़, की जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी फ्री मूवमेंट होगी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। जैसे जो ह्यूमन लेबर है उनको दूसरी कंट्री में जाने के लिए किसी तरह का कोई वीज़ा नहीं चाहिए होगा।
सो दैट इज़ द थर्ड कंडीशन जो कि कॉमन मार्केट में अप्लाई होती है. इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कॉमन मार्केट इज़ द यूरोपियन यूनियन विच अचीव्ड दिस स्टेटस इन द 1990s एज ए रिजल्ट ऑफ 35 ईयर स्ट्रगल टू एंड बैरियर्स टू द फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी बट नाउ इट हैज़ मूव्ड बियॉन्ड दिस स्टेज. बट यूरोपियन यूनियन की हमने एग्जाम्पल देखी है एज ए कॉमन मार्केट, बट यूरोपियन यूनियन जो है अब इस स्टेज से भी आगे चला गया है, वो नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है. नेक्स्ट लेवल देखते हैं. नेक्स्ट लेवल है इकोनॉमिक यूनियन. इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो इसमें चार करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें चार कंडीशंस होती है. फर्स्ट कंडीशन सेम वही होगी कि मेंबर कंट्रीज के बीच में किसी तरह की कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कोई टैरिफ बैरियर्स नहीं होंगे. सेकंड कंडीशन है कि मेंबर कंट्रीज जो नॉन मेंबर्स है, जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके लिए सेम एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी फॉलो करेंगे. थर्ड कंडीशन है कि देयर विल बी फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल अमंग द मेंबर कंट्रीज. और इसमें जो चौथी कंडीशन ऐड होती है वो ये है कि दे अचीव यूनिफॉर्मिटी इन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी अमंग द मेंबर कंट्रीज. कि जितनी भी कस्टम इकोनॉमिक यूनियन में कंट्रीज आती हैं वो सब कंट्रीज सेम मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी जो है वो फॉलो करेंगी. तो इसमें ये नई कंडीशन जुड़ती है इकोनॉमिक यूनियन में. सो इकोनॉमिक यूनियन इज सुपीरियर टू द कॉमन मार्केट. एग्जाम्पल इसकी देखते हैं. यूरोपियन यूनियन इज अ इकोनॉमिक यूनियन ऑल्दो एन इम्परफेक्ट वन बिकॉज मैनी मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैव नॉट अडॉप्टेड द यूरो द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन. द डिफरेंस इन टैक्स रेट एंड रेगुलेशन अक्रॉस कंट्रीज स्टिल रिमेन एंड सम मार्केट्स सच एज मार्केट फॉर एनर्जी इज स्टिल नॉट फुली डीरेगुलेटेड. सो ऑल्दो नो रीजन हैज़ अटेंड कंप्लीट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बट यूरोपियन यूनियन विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन कम्स द क्लोज इट. तो यूरोपियन यूनियन जो है समहाउ क्लोज है इकोनॉमिक यूनियन के. ऑल्दो जो सभी यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने सेम जो करेंसी है यूरो सब कंट्रीज जो यूरोप की सब कंट्रीज है वो सेम करेंसी फॉलो नहीं कर रही, बट समहाउ ये जो यूरोपियन यूनियन है ये इकोनॉमिक यूनियन के काफ़ी करीब है. इसके अलावा एग्जांपल है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन. इसमें भी जो एक एग्रीमेंट हुआ है इसमें पांच कंट्रीज आती है, रशिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड आर्मेनिया. बट इसमें भी जो शॉर्टकमिंग ये है कि ये सब कंट्रीज जो है सेम करेंसी जो है वो फॉलो नहीं करती, बट समहाउ दे आर वेरी क्लोज टू द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक यूनियन. नेक्स्ट जो लेवल आता है वो है पॉलिटिकल यूनियन. पॉलिटिकल यूनियन इम्प्लाइज मोर फॉर्मल एंड पॉलिटिकल लिंक बिटवीन कंट्रीज. जब कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज है आपस में पॉलिटिकल एक डायमेंशन ढूंढ लेते हैं तो वो पॉलिटिकल यूनियन बन जाता है. अ लिमिटेड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल यूनियन में एग्जिस्ट वेयर टू और मोर कंट्रीज शेयर कॉमन डिसीजन मेकिंग बॉडीज एंड हैव कॉमन पॉलिसीज. In its fullest sense, it involves the unification of previously separate nations. So, अगर हम political union की example लेते हैं तो United States of America जो कि 13 states को बना के एक country बनी है is an example of political union. इसके अलावा East and West Germany का जो unification हुआ है 1990 में वो भी एक example है political union की. So, these are the stages of economic integration. इसमें आप देख सकते हो कि सबसे लो लेवल पे है फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें कि ये कंडीशन होती है मेंबर कंट्रीज के बीच में कि वो जो भी आपस में ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है, जो भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो हटा देंगे. नेक्स्ट स्टेज आती है कस्टम यूनियन, जिसमें कंट्रीज जो है वो एक नया कंडीशन ऐड कर देती है कि वो जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके लिए सेम एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी जो है फॉलो करेगी सभी मेंबर कंट्रीज. नेक्स्ट है कॉमन मार्केट. कॉमन मार्केट में जो कंट्रीज होती हैं वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर देती है, फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल लेबर. देन इसके बाद आती है इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें कि सब मेंबर कंट्रीज जो है सेम मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी फॉलो करती हैं. सबसे ऊपर वाली स्टेज आती है पॉलिटिकल यूनियन, जिसमें कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है वो सेम होती है सब मेंबर कंट्रीज की. सो ये है लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, ये है स्टेजेस ऑफ जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं उनकी स्टेजेस. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. अब हम पढ़ते हैं कि क्या एडवांटेजेस है इस इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की. ये जो कोलेब्रेशन होते हैं, ये जो अरेंजमेंट होते हैं, ये जो एग्रीमेंट होते हैं कंट्रीज के बीच में, इनके क्या एडवांटेजेस हैं. तो फर्स्ट एडवांटेज है ट्रेड क्रिएशन. सो जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं दे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रेड
इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज द कंज्यूमर परचेजिंग पावर इन मेंबर नेशंस. सो जो ट्रेड क्रिएशन क्रिएट करता है, ये जो इंटीग्रेशन होते हैं ये कंट्रीज में ट्रेड क्रिएशन क्रिएट करता है. कॉस्ट ऑफ जो ट्रेड होती है उनको रिड्यूस कर देती है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की इम्प्रूव कर देती है, और इसके अलावा जो कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि गुड्स जो है वो आपको लो कॉस्ट पे मिलती है, तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर होते हैं उनकी परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. नेक्स्ट एडवांटेज है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो ट्रेड लिबरलाइजेशन अमंग द मेंबर कंट्री रिजल्ट इन मार्केट एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट एंड दस इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. सो ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, ये एम्प्लॉयमेंट जो है उसको बढ़ाते हैं. Then political cooperation. Political cooperation among the member countries improve because of stronger economic ties, which provides an incentive to resolve conflict peacefully and lead to greater stability. So ये जो countries के बीच में जो economic integration होते हैं, economic arrangement होते हैं, तो ये जो political relations होते हैं country के बीच में, member countries के बीच में, उनको better करते हैं. Right? So these are the advantages of economic integration. नेक्स्ट है ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जेंस. अब ये दो टर्म्स है, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जेंस. हम पढ़ते हैं इसको कि क्या होते हैं ये. सो वेदर रीजनल इंटीग्रेशन इज इन द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ट्रेड क्रिएशन एज अपोज टू ट्रेड डाइवर्जन. सो ट्रेड क्रिएशन अकर्स व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्री ट्रेड एरिया और अ कस्टम यूनियन लीड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज resulting in overall economic benefit for the group. So trade creation कब होता है कि जब ये जो group बनते हैं, जब ये free trade area group बनते हैं, custom union बनती है, इनसे trade जब member countries के बीच में बढ़ता है, economic benefits मिलते हैं countries को, तो that is called trade creation. In other words, trade creation refers to the creation of new trade that would not have existed in the absence of the economic integration. A real world example of trade creation has been seen in the creation of the European Union, which removed trade barriers between member countries and created a single market. As a result, trade between member countries increased significantly, leading to overall economic benefit for the group. For instance, a German car manufacturer can now sell its cars to customers in other European Union countries without facing tariff or other trade barriers, increasing the company's sales and profits. So, trade creation की जब हम बात करते हैं तो example दी गई है कि जर्मनी में जो car manufacturer है, कि जर्मनी जो है वो यूरोपियन यूनियन जो इंटीग्रेशन है, जो कोलैबोरेशन है, उसका एक मेंबर है. तो जर्मनी जो कार मैन्युफैक्चर करता है, जर्मनी में जो कार मैन्युफैक्चर होती है, तो इससे क्या होता है कि उनकी मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मेंबर कंट्रीज़ है और बाकी मेंबर कंट्रीज़ जो है वो जर्मनी से लो टैरिफ पे या विदाउट टैरिफ जो है वो कार्स लेती है. तो इससे क्या होता है कि जो जर्मन कार मैन्युफैक्चरर है उनके जो सेल्स हैं वो बढ़ते हैं. तो इस तरह से कंट्री को जो है वो बेनिफिट होता है. सो ट्रेड क्रिएशन जो होती है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्रिएट करती है कंट्री में. द फ्लिप साइड ऑफ ट्रेड क्रिएशन इज ट्रेड डाइवर्जन. अब ट्रेड क्रिएशन का उल्टा होता है ट्रेड डाइवर्जन. सो ट्रेड डाइवर्जन अकर्स व्हेन ए कंट्री और ग्रुप रिप्लेसेस मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर फ्रॉम नॉन मेंबर कंट्रीज with less efficient producer from member countries, resulting in overall economic inefficiency. अब ट्रेड डाइवर्शन कैसे होता है? ट्रेड डाइवर्शन होता है कि जब ग्रुप ऑफ कंट्रीज बनती है, उसमें कोई इनएफिशियंट कंट्री जो है वो किसी एफिशियंट कंट्री को रिप्लेस कर देती है. तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ओवरऑल जो इकोनॉमिक इनएफिशियंसी होती है वो इंक्रीज कर जाती है. सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड डाइवर्शन. सो एग्जाम्पल देखते हैं ट्रेड डाइवर्शन का. रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड डाइवर्शन कैन बी सीन in the creation of the North American Free Trade Agreement, which led to an increase in the trade between the United States, Canada and Mexico. So ये जो agreement हुआ है NAFTA, ये तीन countries के बीच में हुआ है, United States, Canada और Mexico के बीच में. However, some critics argue that NAFTA led to trade diversions by allowing less efficient Mexican producer to enter the US market and displace more efficient producer from non-member countries.
सो दिस इन टर्न रिजल्टेड इन एन ओवरऑल लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन द ग्लोबल मार्केट्स. सो जो नाफ्टा है वो एज ए ट्रेड डाइवर्शन जो है आप उसकी एग्जांपल देख सकते हैं. सो लर्नर्स, दिस इज ऑल अबाउट द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. नेक्स्ट सेशन में हम कुछ इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस जो हुए हैं, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस हुए हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे. सो टिल द नेक्स्ट सेशन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग.